सो हेलो एवरी वन एंड अ वार्म वेलकम टू एवरी वन ऑन माई चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे लिटरी डिवाइसेस की सीरीज चल रही है और लिटरी डिवाइसेस की सीरीज के साथ ही साथ और भी कई सारी सीरीज चल रही है, जैसे मूवमेंट्स एंड इज्म ऑफ लिटरेचर एंड वेरियस न्यू एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन एंड द टॉपिक्स दैट आई ऑलवेज ब्रिंग अप फॉर यू। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग लिटरी डिवाइसेस देखने वाले हैं फ्रॉम द अल्फाबेट जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला लिटरी डिवाइस है जॉनरा। अब लिटरेचर के स्टूडेंट जितने भी सारे हैं उन सबने इस शब्द को कभी ना कभी जरूर सुना होगा, उसका मतलब भी जानते होंगे, बट अगर आप उसको और अच्छी तरीके से जान लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जान जाते हैं, तो आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। तो जॉनरा जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, एक कैटेगरी है लिटरेरी कॉम्पोजिशन की। बहुत सिंपल सी चीज है कि आप एक गाने को लीजिए, गाने के भी बहुत सारे टाइप्स एंड कैटेगरीज होते हैं। एक सूफी गाना होता है, एक गजल होता है, एक हिप हॉप गाना होता है, एक पार्टी सॉन्ग होता है, एक सैड सॉन्ग होता है, एंड बहुत सारे उसके वेरिएंट्स होते हैं। लिटरेचर की अगर हम लोग बात करें तो लिटरेचर में आप जो भी पीस ऑफ राइटिंग देख रहे हो, पोएट्री देख रहे हो, आप ट्रेजेडी देख रहे हो, शॉर्ट फिक्शन देख रहे हो, कुछ भी, ये सब कैटेगरीज हैं और इन कैटेगरीज को नाम दिया गया है एज जॉनरा। आइए हम लोग थोड़ा इसको और डिटेल में देखते हैं कि जॉनरास में भी डिटरमाइंड बाय लिटरेरी टेक्निक। तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो जॉनरास हैं, जो कैटेगरीज हैं, उनको आप एक दूसरे से अलग कैसे करते हैं उनकी टेक्निक के थ्रू। भाई अगर एक एपिक पोएट्री आपके सामने है और उसके सामने अगर एक सटायरिक पोएट्री है, तो उन दोनों में आप फर्क कैसे करेंगे, एक दूसरे की सब कैटेगरी में उनको कैसे डालेंगे, उनकी टेक्निक, उनकी टोन, उनकी लेंथ और बहुत सारे और वेरिएंट्स हैं जिनकी वजह से आप उनको अलग अलग जॉनरा में डाल सकते हैं। अगर हम लोग लेंथ की यहाँ पे बात करें, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, तो आप सबको पता होगा कि पोएट्री में बहुत सारी टाइप्स की पोएट्री आती है, जैसा कि बहुत सारे हम लोग ने नेम लिए, कॉमेडिक पोएट्री, सटायरिक पोएट्री, एपिक पोएट्री, हीरोइक पोएट्री। तो इन सबको आप अलग अलग कैसे करते हो, उनकी लेंथ के बेसिस पे। अब एक सोनेट को एक सटायरिक पोएट्री से आप कैसे अलग करते हो, सोनेट क्या होती है, एक 14 लाइन की पोएम होती है, तो उसको पहचानना बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है कि अच्छा ये हमारी सोनेट है और ये हमारे पोएट्री के जॉनरा के अंदर आती है। तो आई होप आपको जॉनरा का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारे जो लिटरेचर में जो जॉनरा बहुत ही बेसिक मेन जॉनरा बोले जाते हैं, वो है हमारे एपिक, ट्रेजेडी, कॉमेडी, नॉवल, शॉर्ट स्टोरी एंड क्रिएटिव नॉन फिक्शन। इनके अंदर बहुत सारे सब जॉनरास आ जाते हैं, जैसे कि सटायर, एलेगरी, पास्टरल एलेगरी एंड बहुत सारी चीज़ें। तो आई होप आपको जॉनरा का मतलब समझ में आ गया होगा, जिसका मतलब होता है एक सब कैटेगरी या फिर एक कैटेगरी जिसमें आप अलग अलग चीज़ों को बांटते हैं। अब एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जो जॉनरा का कॉन्सेप्ट है, हमारे ये जो जैक डेरिडा है जिन्होंने डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी के लिए ये बहुत ज्यादा माने जाते हैं, उसको क्रिटिसाइज किया है। अब इसके बारे में क्या बोला है, आप इंटरेस्टेड हैं तो जाके फाइंड कर सकते हैं, पर इतनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट था फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एग्जाम में अब कुछ भी पूछा जाता है, तो आई थॉट कि ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग के सामने है जॉर्जियन पोएट्री। अब हम सबको पता है कि लिटरेचर के स्टूडेंट हैं हम सब, और लिटरेचर की बहुत सारी एजेस हैं, मूवमेंट्स हैं, जिनमें हमारे पोएट्री को एंड बहुत सारे राइटर्स को बांटा गया है। आप सबको पता है कि हमारा जो ब्रिटिश लिटरेचर है वो मोनार्की के अकॉर्डिंग चलता है, एंड जितने भी मूवमेंट्स चेंज होते हैं वो मोनार्की के अकॉर्डिंग उनको डिमार्केट किया गया है। तो जितने भी राइटर्स हैं वो किसी ना किसी मोनार्की के अंदर फॉल करते हैं, जो किसी राजा या रानी के टाइम पर लिखा करते थे, उनके कुछ स्पेशल फीचर्स हुआ करते थे, कोई राजा रानी की अकॉर्डिंग लिखा करते थे, उनके रूल्स के हिसाब से उनको प्लीज करने के लिए लिखा करते थे, तो वो अलग टाइप के पोएट्स या राइटर्स हो जाते थे। जो उनको पसंद नहीं करते थे या फिर उनको अपोज करते थे, वो अलग टाइप के राइटर्स हो जाते थे। यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं जॉर्जियन पोएट्री। अगर आपको याद होगा तो कैवेलियर भी कुछ ऐसे टाइप के पोएट्स थे जो अपने टाइम के राजा को फॉलो करते थे एंड उनकी कोटली राइटिंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा लिखा करते थे। तो जॉर्जियन पोएट्री की अगर हम लोग बात करें तो ये एक ऐसे राइटर्स हैं जो किंग जॉर्ज V के टाइम पे, यूनाइटेड किंगडम के जो राजा थे उनके टाइम पे लिखा करते थे। देन जॉर्जियन पोएट्स अगर हम लोग इनके बारे में बात करें स्ट्रिक्टली, तो ये उन एंथोलॉजीज के अंदर आते हैं जो जॉर्जियन पोएट्री कहलाती है। कुछ 5 एंथोलॉजीज की सीरीज चली थी जिनका भी काम इसके अंदर आता था, उसको हम लोग जॉर्जियन पोएट्री या जॉर्जियन पोएट कहते थे। तो जॉर्जियन पोएट्री की अगर बात करें तो ये आता है आपका विक्टोरियन एरा और मॉडर्न एरा के बीच में। इन दोनों एज के बीच में थोड़ी सी सैंडविच बनती है जॉर्जियन पोएट्री या जॉर्जियन पोएट्स की, उसको हम लोग जॉर्जियन पोएट्री कहते हैं। कोई स्पेसिफिक इनके फीचर्स नहीं दिखाए गए हैं,
बट जो नेम्स हैं वो ये आपके सामने हैं। आपको पता है कि एग्ज़ाम में मूवमेंट से, टाइप्स ऑफ पोएट से, ग्रुप ऑफ पोएट से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये नेम्स याद करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से आपके रूपर्ट ब्रूक, रॉबर्ट ग्रेव्स, टीएच लॉरेंस, देन आपके सिगफ्रीड ससून, जॉन ड्रिंक वाटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि जॉर्जियन पोएट्री के अंदर ये आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देन हम लोग के सामने आता है एक और ग्रुप, एक और टाइप ऑफ राइटिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेवयार्ड स्कूल। अब वर्ड से ही आपको थोड़ा सा ग्रेव की ही याद आ जाती होगी कि कब्र के बारे में बात हो रही है, तो थोड़ा सा आपको सेटिंग पता लग रही होगी। ग्रेवयार्ड पोएट्स वर अ नंबर ऑफ प्री रोमांटिक इंग्लिश पोएट्स इन 18th सेंचुरी, कैरेक्टराइज्ड बाय ग्लूमी मेडिटेटिंग मोर्टैलिटी, स्कल्स, कॉफिन्स, एपिटाफ्स, वॉर्म्स इन द, और ये कॉन्टेक्स्ट होता था उनकी ग्रेवयार्ड पोएट्री का। तो बेसिकली सिर्फ मृत लोगों के ऊपर नहीं लिखते थे, जो मॉर्टैलिटी से लेके जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये जो आपने अभी देखी कि बहुत ही ग्लूमी टोन होती है, मेलंकोलिक टोन होती है, डेथ के बारे में ये लोग बात करते हैं, उसके बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंसेस को ये वाले पोएट्स यूज़ करते हैं, उनको हम लोग ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्स कहते हैं। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जानने वाली, कि जो गोथिक जॉनरा माना जाता है, जो हम लोग आगे देखने वाले हैं, उनके प्रिकर्सन माने जाते हैं हमारे ग्रेवयार्ड पोएट्स, और इनके किंग या फिर इनको फाउंड किसने किया था, थॉमस ग्रे ने, हु इज फेमसली नोन फॉर हिज पोएम द एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जहाँ पे मॉर्टैलिटी के बारे में, एक कॉमन मैन की मॉर्टैलिटी के बारे में बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। ये इन्होंने इस टर्म को फाउंड किया था, इस स्कूल या इस टाइप की पोइट्री को फाउंड किया था, और इसके बाद बहुत सारे जो यहाँ पे राइटर्स हैं, जो आपको दिख रहे होंगे, वो इसको फॉलो करने लगे और इस थीम पर लिखने लगे। तो द स्कूल ऑफ पोइट्री, ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री, डेथ के ऊपर लिखता है, बरीवमेंट, मेलंकोली, ये सारे जो टर्म्स होते हैं इनके ऊपर लिखते हैं। अब इसी के बाद हम लोग आ जाते हैं गोथिक फिक्शन या फिर गोथिक ड्रामा के ऊपर। गोथिक फिक्शन की अगर बात करें, तो लिटरेचर के अंदर ये एक ऐसा जॉनरा होता है जो हॉरर और रोमांस दोनों को कंबाइन करके चलता है। अब आप कहेंगे कि हॉरर तो समझ में आ रहा है, लेकिन रोमांस, रोमांस तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज होती है, प्यार के बारे में बात करते हैं, तो यहां पे हॉरर के साथ रोमांस तो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है। पर अगर आप गूगल पे जाके रोमांस को सर्च करेंगे, तो वहां पे आपके सामने आएगा कि इट इज अ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट एंड मिस्ट्री एट द सेम टाइम। रोमांस के अंदर भाई दोनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अगर आपको आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका मिल जाते हैं, तो वो रोमांटिक कहानी पूरी कहलाती है, लेकिन वो नहीं मिलती है, वो मर जाती है, अगले जन्म में आपको मिलती है, या फिर उसकी आत्मा आपको हॉन्ट करती है, तो भाई मिस्ट्री के एलिमेंट्स तो उसके अंदर आते हैं। तो यहां पे हम लोग जब गोथिक फिक्शन की बात करते हैं, तो इसको फाउंड किया था, या फिर इनके होरेस वॉलपोल के काम को लिखने के बाद, जो इन्होंने काम लिखा था अपना 1764 नॉवल द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, इसके बाद से ये जो ट्रेंड शुरू हुआ, या फिर गोथिक फिक्शन के बारे में लोग जानने लगे, इस टाइप के थीम के ऊपर लोग लिखने लगे, तो इसलिए इनको फाउंडर माना जाता है। अब थीम क्या है यहां पे, किसी भी टाइप के इमोशंस, द फीलिंग्स ऑफ सब्लाइम, अ क्वेस्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब बहुत सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलती है, सिर्फ हॉरर नहीं मिलेगा। इस बात को बहुत अच्छे से आप समझिए कि किसी भी टाइप की जो फीलिंग होती है, वो एक एक्सट्रीम रूप जब ले लेती है, तो वो एक हॉररफुल या टेररफुल चीज हो जाती है। कोई इंसान सैड है तब तक ठीक है, लेकिन वो एक लिमिट से ज्यादा सैड हो जाता है, तो वो एक डराने वाली चीज है। एक इंसान खुश है, लेकिन वो लिमिट से ज्यादा खुश हो जाता है, कुछ ऐसी हरकतें करने लगता है, तो वो भी आपको डरा सकता है। तो अगर हम लोग गॉथिक फिक्शन की बात करते हैं, तो इसके अंदर आपको कौन कौन सी फीलिंग्स मिल जाती हैं, टेरर की फीलिंग्स मिलेंगी, मिस्ट्री, सुपरनैचुरल, घोस्ट, हॉन्टेड हाउसेस आपको देखने को मिलेंगे, देन आपको ऐसा आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा जहाँ पर टूटे हुए कासल्स होंगे, डार्कनेस होगी, डेथ होगा, चीज़ें सड़ रही होंगी, एंड आप बहुत ही अजीब तरीके की मैडनेस, क्रीपीनेस, सीक्रेट होंगे आपके रिलेशनशिप्स में, हेरिडिटरी कर्सेस होंगी कि बहुत सारे वंश तक उनको ये श्राप मिला हुआ है, एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो जॉनरा होता है जहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम लोग गोथिक फिक्शन के अंदर डालते हैं, और इसके अंदर याद रखिएगा हॉरर भी आता है, रोमांस भी आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। ग्रीक ट्रेजेडी, अब हम सबको पता है कि ट्रेजेडी प्लेज, जिनको हम लोग एंजॉय करते हैं, बहुत सारे राइटर्स के हम लोग प्लेज पढ़ते हैं, मूवीज जो एक तरीके से उन प्लेज का ही एक बहुत ही मॉडर्न फॉर्म है जिसको आज हम लोग देखते हैं, वो शुरुआत कहां पे उसकी हुई थी। ये जो थिएट्रिकल कल्चर है, ये ग्रीस में शुरू हुआ था। ये जो टाइम यहां पर लिखा हुआ है 550 to 220 BC में ये स्टार्ट हुआ था ग्रीस में।
ग्रीस के अंदर एक बहुत ही फेमस शहर है जिसको हम लोग एथेंस के नाम से जानते हैं, वहाँ पे एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल मनाया जाता था विच वॉज डायनोसिया। एंड ये डायनोसिया जो इनका फेस्टिवल है वो किसके ऑनर में मनाया जाता था, इनके जो गॉड थे डायनोसियस उनके ऑनर में मनाया जाता था, और उनके ऑनर में कुछ प्लेस परफॉर्म किए जाते थे। जैसे हमारे दिवाली में राम जी के लिए, और वो वापस आए थे वनवास के बाद, हम लोग जैसे रामलीला रचाते हैं और कुछ छोटा सा एक प्ले किया जाता है, उसको आप रिलेट कर सकते हैं। तो इनके भगवान को ऑनर करने के लिए ये लोग प्लेस किया मतलब परफॉर्म किया करते थे। बहुत ही रिच सिटीजन्स जो होते थे वो उसको स्पॉन्सर करते थे, एंड वहाँ पे जो थिएटर बना होता था वहाँ पे जाके आते थे, वो लोग देखते थे। अब तब के टाइम पे बहुत सारे जॉनराज फेमस नहीं थे, तीन टाइप के जॉनराज ही फेमस थे, वो था आपका ट्रेजेडी, कॉमेडी और सटायर। ये तीन ही टाइप के जॉनराज थे जो स्टार्टिंग में पहले आपके चलते थे, एंड ग्रीक ट्रेजेडी की जहाँ से शुरुआत हुई। तो ये आपको याद रखना है कि एथेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है ग्रीस के अंदर, जहां पे हम लोग की थिएट्रिकल कल्चर का क्या होती है, शुरुआत होती है, जिसकी वजह से हम लोग वेस्टर्न कल्चर के अंदर जो हम लोग ने प्लेज एंड ड्रामा एंड जो थिएटर देखा जिसका बड़ा रूप लिया गया, वो कहां से शुरू हुआ, हमारे ग्रीक ट्रेजेडी या फिर ड्रामा से। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, हमारा ये जो टर्म है ग्रब स्ट्रीट, अब हो सकता है आपने इसके बारे में जाना हो या आपको पता हो, बट ग्रब स्ट्रीट एक टाइप की स्ट्रीट है आपके लंदन में, जो कि बहुत ही गरीब टाइप के लोग वहाँ पे रहते थे। अब सिर्फ गरीब टाइप के लोग ही वहाँ पे नहीं रहते थे, इम्पॉवरिश्ड हैक राइटर्स, एस्पायरिंग पोएट्स, लो एंड पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स के लिए आपकी ग्रब स्ट्रीट मतलब एक गली आप मान सकते हैं, लंदन की एक गली जो कि बहुत ही वेल ऑफ गली नहीं थी, जहाँ पे ये सारे राइटर्स रहते थे। अब हैक राइटर्स का मतलब कौन से राइटर्स होते हैं, ये वो राइटर्स होते हैं जो बहुत ही लो पेड राइटर्स होते हैं, बहुत ही अच्छा नहीं लिखते हैं, और इनको छोटी छोटी चीजें कवर करने के लिए ही पैसे मिलते हैं। सैमुअल जॉनसन, जिनको आप बहुत फेमस राइटर के नाम से जानते हैं, जिन्होंने 9 साल लगा के अपनी डिक्शनरी लिखी थी, तो अपनी डिक्शनरी के अंदर ये ग्रब स्ट्रीट जो टर्म है इसको ये डिफाइन करते हैं ओरिजिनली एक स्ट्रीट का नाम बताते हुए, विच इज इनहैबिटेड बाय राइटर्स ऑफ स्मॉल हिस्ट्रीज। स्मॉल हिस्ट्रीज मतलब कि उनके बारे में खास जानने वाला कुछ है नहीं, स्मॉल डिक्शनरीज की वो ज्यादा पढ़े लिखे भी है नहीं, टेम्पररी पोएम्स, बहुत ही टेम्पररी पोएम्स लिखते हैं, कुछ खास नहीं लिखते हैं। वेंस एनी मीन्स प्रोडक्शन कॉल्स ग्रब स्ट्रीट, मतलब ग्रब स्ट्रीट के अंदर रहने वाले ये सारे गरीब ना जानने वाले फेमस राइटर्स, जिनकी पोएट्री भी कुछ खास नहीं होती है, वहां पे रहने वाले ये जो राइटर्स हैं उनको ग्रब स्ट्रीट कहा गया है। अब ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो सैमुअल जॉनसन है अपने करियर के स्टार्ट में वो भी ग्रब स्ट्रीट में ही रहा करते थे, एंड अपने करियर के स्टार्टिंग में उन्होंने वहीं से पोएम्स लिखना स्टार्ट की थी, एंड हेंस उनको इस गली के बारे में और यहाँ के राइटर्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है। नाउ इसका एक और रेफरेंस हमारे लिटरेचर में मिलता है हम लोग को बाद में अलेक्जेंडर पोप के इस वर्क डांसियाड के अंदर, जिसके अंदर ये अपनी एनिमीज को, एनिमी पोएट्स को हैक राइटर के नाम का दर्जा देते हैं, कि जो इनकी जितनी भी एनिमीज है उनकी राइटिंग बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल लो राइटिंग है, हैक राइटर है, जो इधर उधर से कॉपी करके कुछ भी लिख देते हैं, जिनकी पोएट्री का कोई मतलब नहीं होता है, जो अच्छे पोएट्स नहीं है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। एक सटायरिक पोएम ये है डांसियाड, जहाँ पे इन्होंने अटैक किया है अपनी एनिमीज को। तो ग्रब स्ट्रीट आपको याद रखना है, ये दो हमारे फेमस राइटर्स ने इनको डिनोट किया है या रेफरेंस लिया है, एक है सैमुअल जॉनसन और एक है हमारे अलेक्जेंडर पोप। इसके अंदर आते हैं हैक राइटर्स, बहुत ही छोटे छोटे एस्पायरिंग राइटर्स जो अभी ब्लूम कर रहे हैं, अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं, एंड लोग उनको बहुत ही घृणा की नजर से देखते हैं कि अरे ये तो छोटे मोटे राइटर्स हैं। जैसे आप बॉलीवुड में बहुत छोटे छोटे एक्टर्स को आप इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, तो वही इनके साथ भी हाल होता है। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, सो दैट वॉज इट फॉर द अल्फाबेट जी, ज़्यादा कुछ थे नहीं, ये जितने भी इंपॉर्टेंट थे विच आई थॉट कि ये लाना ज़रूरी है, विच आई ब्रॉट फॉर यू। अगर आपको लगता है कि कोई टर्म मिस हो गया है, आपको अलग से समझना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर एक अलग वीडियो बन जाएगी। अगर आपको ये वीडियो, ये चैनल, इसके सारे वीडियोज हेल्पफुल लगते हों, आपको किसी ना किसी वे में किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाते हो, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, बिकॉज द मोर वीडियो इज गोइंग टू गो टू डिफरेंट पीपल, द मोर मोटिवेशन आई विल गेट टू क्रिएट मोर एंड मोर न्यू अपडेटेड स्टफ फॉर यू पीपल। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे टर्म्स के साथ जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे और आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। सो ऑन दैट नोट आई विल टेक योर लीव एंड आई विल मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। बाय एंड टेक केयर।